डिलाइट हनी फार्म के मोजिज दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सूरत नास की चंद आयात की तलावत करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो कह दो मैं पनाह में आया लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की। बदी से इसकी जो फुसलाए और छुप जाए, जो ख्याल डालता है लोगों के दिल में, जिनों में, आदमियों में। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो जी दोस्तों, इस वीडियो के मुताबिक हम आपको आज बताएंगे कि मक्खियों का डिब्बा या बॉक्स या मक्सदान ये किस तरह से बनाया जाता है, इसकी शक्ल व शबाहत किस तरह की होती है और इसकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ मोटाइयाँ किस तरह होती हैं, वो हमने एक तस्वीर के अंदर इसमें डिस्प्ले करके दिखाया गया है। बारह दफ़ा आप इसको चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये लकड़ी का एक सादा चार पहलुओं वाला बॉक्स होता है, जो एक चौकी पर जिसके चार पाए होते हैं रखा जाता है। इसकी छत हमवार या दोनों तरफ ढालदार और दरमियान में ऊँची होती है। ये बक्स सिवाय एक छोटे से दरवाजे के जो इसके सामने की जानिब होता है, यही मक्खियों का एंट्रेंस और एग्जिट गेट होता है। इसके अलावा ये डब्बा चारों तरफ से बंद होता है। इस सुराख के सामने जो सामने वाली साइड पे होता है, इसमें से मक्खियों की आमदरफ्त होती है। हर तरफ से ये डिब्बा बंद रखा जाता है। नीचे से ऊपर तक इसके मुख्तलिफ हिस्से बिलतरतीब पाए वाली चौकी, ज़ेरी तख्त, फट्टीदार दरवाज़ा, ब्रूड चैम्बर या परवरिश खाना, सुपर या बलाई खाना, अंदरूनी ढकना या मियानी तख्ता, ढालदार या हमवार छत होते हैं। इस बक्स को एक मंजिला बॉक्स कहते हैं। ज़रूरत के मुताबिक इसको दो मंजिला भी बनाया जा सकता है। इस सूरत में परवरिश खाना और महियती तख्ता के दरमियान एक और डिब्बा, जिसे बलाई खाना कहा जाता है, रख दिया जाता है। बलाई खाना दो किस्म का होता है, एक 24 सेंटीमीटर ऊंचा और दूसरा इससे निसफ यानी के 12 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। सामने की जानिब चौकी के साथ जुड़ा हुआ और आगे को बड़ा होता है। नीचे को झुका हुआ एक ढलवान तख्ता होता है, जिसे तख्ता नज़ूल कहा जाता है। मक्खियां उड़ान के बाद इस पर उतरती हैं, फिर घर के अंदर दाखिल होती हैं। बक्स के परवरिश खाने में सामने और पीछे वाली दीवारों के बलाई किनारों के करीब अंदर की तरफ टेक होती है, जिस पर लकड़ी के फ्रेमों के कदरे बड़े हुए सिरे रखकर इन्हें लटकाया जाता है। एक ब्रूड चैम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 10 फ्रेम मतवाजी लटकाए जा सकते हैं। हर फ्रेम में 24 या 28 नंबर की चार बारीक जिस्ती तारें एक पहलू से दूसरे पहलू तक बराबर फासले पर लगा दी जाती हैं। ये तारें बुनियादी छत्ते को, जो फ्रेम में लगाया जाता है, सहारा देती हैं। मक्खियां इस बुनियादी छत्ते पर मोमी खाने बनाती हैं। ये तारें बुनियादी छत्ता को, जो फ्रेम में लगाया जाता है, सहारा देती हैं। मक्खियां इस बुनियादी छत्ते पर मोमी खाने बनाती हैं, जिसमें शहद और ज़ीरा जमा किए जाते हैं और बच्चे पाले जाते हैं। जी दोस्तों, चौकी, ज़ेरी तख्ता, परवरिश खाना या ब्रूड चैम्बर, बलाई खाना, अंदरूनी ढकना, बिरूनी ढकना, इन सब की चौड़ाइयाँ, लंबाइयाँ, मोटाइयाँ हमने इस वीडियो में तस्वीरों की शक्ल में दिखा दी गई हैं। आप उन्हें आसानी से चेक करके अपने पास नोट कर सकते हैं और आसानी से इस डिब्बे को बनाया जा सकता है।